गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? कॉमेंट में ज़रूर बताइए। मैं तो अच्छी हूँ और नमन गए स्कूल और मेरा हो चुका है सुबह का अपना मॉर्निंग का डेली का काम जो भी मुझे करना है। और रूम तो वैसे ही है जैसे और मैंने यहाँ क्या किया है अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी और रूम की हालत दिखाऊँ तो फैला पड़ा हुआ है सब और इसको अभी चल रहे हैं ठीक करेंगे क्योंकि अभी अभी तो मैं छोड़ के नमन को आ रही हूँ और इसके बाद पहले सब ठीक कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे चाय क्योंकि चाय मैंने पहले पी थी एक बार तो अब ये सब ठीक करें उसके बाद क्योंकि मैं सुबह एक बार चाय पी लेती हूँ। ऐसा नहीं कि चाय नहीं पीती, मैं एक बार चाय पी लेती हूँ क्योंकि लेट हो जाता है और आते आते मुझे 9 बज जाते हैं। नमन को छोड़ के आते आते 9 बज जाते हैं तो 9 बजे तक अगर चाय नहीं पियेंगे तो भाई सही बात है, तबीयत ख़राब होगी और ख़राब होगी तो बिस्तर पकड़ लेंगे तो ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि टाइम से सब काम करते रहें, अब तरफ से ऐसा नहीं करें कि हम बीमार पड़े और बाद में अगर पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं है ना। तो चलिए थोड़ा काम कर लेती हूँ फिर आप सभी से मिलती हूँ। मेरी मशीन पता नहीं क्यों ख़राब हो गई है, यह सिलाई मशीन, अब इसको ठीक करना है। और यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ऐसे नहीं, अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप सभी को। ये मैंने अपने गणेश जी को लगा दिया है, गणपति महाराज कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितना चमक रहे हैं, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से, सुंदर से, न्यारे से, प्यारे से। और गणपति बप्पा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे, तो मिल नहीं रहे थे मुझे तो मैंने ऐसे ये वाला ले लिया है और ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इधर पे ही लगाया है और पहले इसको मैंने लगाया हुआ था तो हमारी जब उस सिस्टर के मतलब आए थे सब लोग शादी के लिए और डेट फाइनल करना था तो पंडित जी ने देखा तो वो बहुत ही मतलब जानकार पंडित जी हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगा है तो इनके सामने भी गणेश जी होना चाहिए तो इसलिए मैंने लगा दिया। तो मुझे नहीं मिल रहे थे तो मैंने इनको ही लगा दिया क्योंकि उन्होंने बोला था कि गणपति जी हों वो किसी भी चीज़ के चलेंगे और वैसे मैं यहाँ पर कोई कांच का नहीं लगा सकती और क्योंकि बंदर गिरा देगा और टूट जाएंगे तो ये भी अच्छा नहीं होता है तो इसलिए ये सबके साथ होता है कि हर चीज़ सबको पता नहीं होता है तो उसी तरीके से मुझे भी नहीं पता है तो मैंने नहीं किया था। और ये देखिए सुबह सुबह कितना फैला हुआ है आज, इतना मतलब मेरे से ऐसे जो है रिफाइंड गिर गया था तो वो एकदम से चिपचिपा हो गया था तो वही मैंने साफ़ किया। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए पॉलीथीन इसको हटा रही थी, इतना मतलब पूरा गिर गया था मेरे से, अब मुझे जाके फिर से मैं जाऊँ मतलब आधे से ज़्यादा तो गिर ही गया। और अभी मैं लेके आई थी आज सुबह सुबह स्कूल से छोड़ के जब आई थी नमन को तो इसके बाद मैंने सोचा खाली कर देती हूँ और इसके बाद मेरे हाथ से पता नहीं कैसे छूट गया और आधा गिर गया। अब इसके बाद जाके फिर देखते हैं, अब स्कूल जाएंगे तभी लेके आएंगे क्योंकि ये सब सामान स्कूल जाते वक्त मतलब मिल जाता है, आते वक्त मिलता है और जाते वक्त कौन जाते वक्त छोड़ के आते हैं तब जाके मिलता है। तो और इसके बाद आज बनना है छोला, ये देखिए, और मैं साथ में सबसे पहले इसको रखूँगी उबलने के लिए। इसके बाद बाहर बहुत काम है, झाड़ू लगाना है, रूम ठीक करना है तो मैंने कहा जब तक ये मतलब काम करूँगी अपने घर का काम करूँगी मतलब जैसे छत की सफाई करूँगी, रूम की करूँगी, इसके बाद जो है तब तक ये मेरा जो है छोला भी बॉइल हो जाएगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद मैं आऊँगी सारा काम करके तो मैं इसके बाद आराम से बना लेंगे, छोला चावल ही बनाएंगे क्योंकि नमन बोले थे छोला बनाने के लिए तो छोला चावल ही बनाएंगे क्योंकि मेरा देखिए मेरा यही रहता है मेरे घर में नमन जो कहते हैं वही चीज़ बनती है। और ठंडी का मौसम इतना, मैंने स्वेटर भी उतार दिया है तो मुझे ठंड लग रही है और मेरा मतलब वो अभी मेरा पता नहीं कहाँ है कुछ स्वेटर वाटर मिल ही नहीं रहा तो ये कि पिंक कलर का वो मतलब गंदा हो जाता है तुरंत से तो इसलिए मैंने निकाल दिया था। और सुबह इतनी ठंडी लगती है स्कूटी में जाते वो ठंडी लगती है और आज तो मैं पैदल ही गई थी क्योंकि पता नहीं कुछ ख़राब था क्या था और स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी तो इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ा
उसके बाद वहाँ से आई तो थोड़ा सा चलो अच्छा भी हुआ है ना, पैदल चल गए। वैसे तो हम घर में चलते ही रहते हैं, मतलब इतना सारा काम रहता है तो ये सब समझ लीजिए एक्सरसाइज ही हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब हम फ्री रहते हैं। तो बस इन्हीं सब कामों में मेरा टाइम निकल जाता है और अच्छा लगता है, अपने आप को इंसान बिजी रखता है और बिजी रहते हैं तो वो चीज़ मतलब अच्छा भी लगता है ना। और धूप अभी तो इतना चल गई, यहाँ बाहर मतलब झाड़ू लगाते मैं इंतज़ार करती हूँ कि थोड़ा सा धूप हो जाए तब मैं लगाऊँ, नहीं तो अगर ये सुबह जैसे मैं छोड़ के आई हूँ तुरंत सबसे पहले झाड़ू लगाती तो ये जो उड़ रहा है ना गर्दा, ये उड़ता नहीं। और क्योंकि सूखा नहीं रहता छत, लेकिन ठंडी लग रही थी तो इसलिए थोड़ा सा धूप हो गया है तो अच्छा लग रहा है। जब धूप में जा रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब छाँव में आ रहे हैं तो ठंड लग रही है। अभी ठंडी अच्छी खासी ठंडी पड़ने लगी है अभी क्या, अभी और आगे चल के जो है दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडी होती है। और उसी टाइम मेरा जो है मैं क्या करती हूँ, पिछली बार भी मेरा ऐसे हुआ था, ठंडी में इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं वीडियो वीडियो कुछ नहीं बना पा रही थी। और इस टाइम भी वही हो रहा है कि ठंडी के वजह से मेरा मन ही नहीं करता है और जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, याद ही नहीं पड़ता। तब मुझे याद आता है कि भाई मैंने वीडियो तो आज शूट किया नहीं, आज मैं क्या शेयर करूँगी, आप सभी को क्या दिखाऊँगी, आज मेरा ब्लॉग जाएगा नहीं, तो इस तरीके से हो जाता है। और लेकिन कोशिश अपने तरफ से करती हूँ कि कुछ ना कुछ चैनल पे अपलोड कर दूँ गाइस, और ऐसा ना रहे कि चैनल पे कुछ ना जाए। तो बस यही है, और अभी क्या ही बताऊँ, फिर से लग रहा है मुझे कि सर्दी होगा। ये चीज़ बहुत पुराना हो गया है ना, बार बार फिर से सर्दी होगा, फिर से मतलब सर्दी होगा, हो जाता है तो मैं क्या करूँ, मुझे हमेशा होता है, बार बार हो जाता है, तो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। और इसके बाद ये मेरा रूम तो ऐसे ही फैला पड़ा हुआ। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था मच्छरदानी क्यों, इसका मतलब मैं नहीं समझी कि किसी ने बोला मच्छरदानी क्यों, आप जाके वीडियो पे देखिएगा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, मच्छरदानी क्यों। अगर मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मच्छरदानी क्यों लगाते हो, तो भैया यहाँ पे मैंने बताया है कि मच्छर और बंदर हमारे यहाँ आपको दो लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, इंसान से ज़्यादा, ठीक है। अगर मच्छरदानी नहीं लगाया तो मच्छर उठा ले जाएंगे बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग मच्छरदानी लगाते हैं, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो मच्छरदानी नहीं भी लगाते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 10 लोग लगाते हैं तो कम से कम 50 लोग नहीं लगाते, क्योंकि होता है ना सबको घुटन होती है, बहुत सारे लोगों को तो नहीं लगाते हैं, लेकिन मेरा नहीं चलता है ना, मुझे नींद आती है ना नमन को नींद आती है, तो हम लोग मच्छरदानी लगा लेते हैं और इसके बाद सुकून से अपना सोते हैं। तो यही है। और इसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ देखिए मेरा बिस्तर ठीक हो गया, आज मुझे बिस्तर ठीक करने में टाइम नहीं लगा क्योंकि सुबह भी किया था मैंने, ये बेडशीट मैंने साफ़ कर दिया था, सही कर दिया था, तो इसलिए तो ये देखिए मेरा बिस्तर सही हो गया। और बिस्तर सही हो गया तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि रूम में जब आते हैं तो बड़ा ही सुकून मिलता है देख के और बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा ये दिख रहा है आप सभी को, ये दिख रहा है ना, आप लोग सोच रहे होंगे उस वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया था कि मैं आज इसमें फॉल लगाऊंगी और मैंने नहीं लगाया तो टाइम नहीं मिला, इस वजह से पड़ा रह गया। अब मैं आज भी लगाने के लिए इसको निकाली हूँ और देखिए यहाँ पे फॉल वॉल सब रखी हूँ, तो फट रही है पन्नी, और इसके बाद जो है रखी हूँ कि आज मैं लगा लूँगी, तो अभी चल रही हूँ फॉल धुल के डालूँगी। और इसके बाद ये पॉलीथीन फट गई, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये फटे ना, क्योंकि इस पर देखिए साड़ी की प्राइस है, तो इसलिए ताकि भाई लगे ये पता चले। और वैसे तो इसलिए, और ठंडी लग रही है, अभी दोपहर का समय हो गया है, करीब 12 बजने वाले हैं, और बताइए अगर मैं सुबह चाय नहीं पी लेती तो 12 बजे पीती तो तबीयत ख़राब होता ही, तो इसलिए अभी मैं चल रही हूँ, नहा के आऊँगी, फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और चाय पियेंगे फिर से, क्योंकि नहाने के बाद ठंडी में मन करता है ना चाय पीने का, तो फिर आप सभी से मिलूँगी मैं। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय गाइस, और प्लीज़ अगर ज़रा भी वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और क्या करूँ गाइस जो घर का डेली रूटीन होता है वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कहीं बाहर नहीं जाती तो मैं आप सभी को क्या दिखाऊंगी, तो इसलिए। और
इसी में आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें, और क्या चाहिए हमको। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बाय बाय।